मामा, मैं शादी के लिए हाँ कह देती हूँ। हाँ मामा, आज तक पहले इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। आज तक अपने दादू को कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब जो हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपनी हैप्पी फैमिली को सैड नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मम्मा मैं शादी के लिए हाँ कह देती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा करके ना तुम वही गलती करोगी जो तुम्हारे दादू और पापा ने की। दादू ने जल्दबाजी में रिश्ता छोड़ दिया और पापा ने जल्दबाजी में हाँ कह दी, ये सोच के कि भाई इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता। ऐसे रोते नहीं है भाई, तुम रोओगी तो पापा को भी रोना आ जाएगा। अब ना हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है? क्या है ना बेटा, जल्दबाजी में किया हुआ फैसला ना गलत हो जाता है। जल्दबाजी में हम सही गलत की समझ भूल जाते हैं। रो मत। सॉरी, मुझे पापा जी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। अरे अब तुम जल्दबाजी में सॉरी बोल रही हो जबकि मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूं। तुमने आंखें खोल दी मेरी भाई, एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत था। अभी हम बात कर रहे थे कि जब त्रिशु पैदा हुई थी, जब पहली बार हमने इसे अपनी गोदी में लिया था, हमने क्या कहा था? कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, अपनी बेटी को मैं कभी उदास नहीं होने दूंगा। और मैं खुद ही नहीं देख पाया कि मेरी बच्ची कितनी उदास थी। जानवी, जो बात मैं नहीं समझ पाया ना वो तुम समझ गई, जो मैं नहीं देख पाया वो तुमने देख लिया, जो कदम मैं नहीं उठा पाया वो तुमने उठा लिया, इसलिए थैंक यू। अगर एक हाथ से मैं अपने बेटे का हाथ थाम रहा हूं तो दूसरे हाथ से अपनी बेटी का हाथ कैसे छोड़ सकता हूं भाई? त्रिशु सॉरी, मैं देख ही नहीं पाया कि मेरी बच्ची कितनी उदास थी। सॉरी बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। फैमिली की चिंता मत कर, हमारे परिवार की ना जड़ें बहुत मजबूत है, ऐसी छोटी मोटी बहस से कभी दरार नहीं आएगी। और इस परिवार में प्यार की इतनी मिठास है कि कभी खटास आ ही नहीं सकती, इसलिए हम जो भी फैसला लेंगे इमोशनल होके नहीं लेंगे, सोच समझ के लेंगे। और बेटा एक बात और, आज तेरे पापा ना तुझसे वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तू जहां चाहेगी तेरी शादी वहां होगी, जब चाहेगी तभी होगी, जस्ट बिकॉज यू आर पापा'स गर्ल। वाह, बहुत बढ़िया, सब गले लग गए, मुझे भूल गए। Just because I'm a boy? हाँ जा बंदर, आए। पापा कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, नहीं मतलब चाहिए। अरे तो पड्डा फूटेगा, क्या चाहिए? खाना। खाना खाना चाहता है? नहीं पापा, वो क्या था कि आज तक आपके बिस्तर पे बैठ के खाना खाया नहीं मैंने, तो चाहता आज खा लेता हूँ। उठ है? उठ, मेरा बिस्तर थारे को, लंगर लगे, भंडारा लगे, तो यहाँ बैठ के खाएगा? पापा जी, तो पापा जी वो एक्चुअली ये कह नहीं पा रहे पर ये खाना आपके लिए, देखिए ना सब कुछ आपके पसंद का है, गट्टे की सब्जी, दाल रोटी, चूरमा। मारी पसंद
इस घर में हमारा इतना भी सम्मान को नहीं कि मैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोई फैसला ले सकूं। वहां ये सब नाटक करने की जरूरत है? हाँ जरूरत है पापा जी, क्योंकि आपका सम्मान इस घर का अभिमान है। आपके सम्मान में आज तक ना कोई कमी आई है और ना ही कभी आएगी। पापा जी, मैंने आपसे बहस की, आपके फैसले के खिलाफ जाके बोली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका सम्मान नहीं करती या आपके सम्मान में कोई भी कमी आई है। मुझे तो बस मेरी बेटी के भविष्य की, उसके सपनों की चिंता है ना, जैसे कभी आपको भी अपनी बेटी की रही होगी या फिर अपने बेटों की। पापा जी, हमारी सोच में फर्क हो सकता है पर हमारे दिलों में नहीं ना। पता क्या जानवी जी, हमसे गलती हो गई। तुमसे ये गलती हो गई कि तुमने पापा का पसंदीदा खाना बनाया, और मुझसे ये गलती हो गई कि मैं यहाँ ले आया। काम करते ना, अगर पापा बाहर नहीं जा रहे तो क्या हुआ? सबको बोलते यही आ जाए बिस्तर पे खाने। खबरदार जो किसी को यहाँ बुलाया तो। अरे मैंने अपने आप बिस्तर पे आज तक किसी को चाय नहीं पीने दी, तो खाने की बात कर रहा है। किसी को यहाँ बुलाने की हिम्मत मत करना, मैं खुद बाहर जा रहा हूँ। ठीक, मेरी बहू ने हमारे वास्ते, अपने पापा जी के वास्ते इतने सारे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, तो खाना तो पड़ेगा। तो चलिए फिर, तो वापस भेज दो। ले मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तू वापस भेजने की बात कर रही है। नहीं खाना नहीं, शगुन का सामान। ऐसी गुगली ना फेंक बहू, मैंने गुस्सा छोड़ा है, शर्त को नहीं छोड़ी। दो दिन के बाद पंडित जी आवेंगे, सगाई का मुहूर्त भी निकलेगा, देखते त्रिशला की हां आती है कि ना। लेकिन जब तक त्रिशला की ना नहीं आ जाती, शगुन का कोई सामान वापस को नहीं जाएगा। चलो ला भाई। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा ना त्रिशु से। नहीं अब की बार नहीं, हमारी बेटी समझदार है, वो फैसला खुद लेगी। ठीक, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।